भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों सरकार मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और यहां से ये पटना से सामान भेजने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों देश का इस विषय पर जो तालमेल रहेगा, एक साथ काम करने का जो हमारे बीच टीम स्पिरिट रहेगा, उसी हिसाब से अगले दिनों में हमारे दोनों देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम एक दूसरे को मदद करने में सफलता प्राप्त करेंगे। गंगा नदी की यातायात व्यवस्था साकार करने के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 1, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 यानी कि 8 गंगा दोनों प्रोजेक्ट के जरिए गंगा की दोनों पार अलग अलग जेटी और टर्मिनल बनाया जाएगा और वर्ल्ड बैंक की 4,600 करोड़ लागत से इसको आधुनिकरण किया जाएगा ताकि अगले दिनों में हमारे इसी नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जनता को अपने उत्पादित सामग्री देश और विदेश की बाजार में बिकने के लिए एक सुनहरा मौका मिले। और उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र इस नदी को भी बांग्लादेश होके गंगा से जोड़ने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से संभव हुआ है और अगले दिनों में दोनों नदियों को सागर से जोड़ के हमारे देश के जनता को दुनिया का बाजार में अपना पहचान बनाने के लिए मौका दिया जाएगा।